शाहराहें किसी भी मुल्क की तरक्की और माशी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान रोड नेटवर्क्स के हिसाब से दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान में 2400 किलोमीटर तवील मोटरवेज और हाईवेज हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान एक्सप्रेसवेज के हिसाब से जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। मकरान कोस्टल हाईवे या NH10 पाकिस्तान की अहम शाहराहों में से एक है, जो कराची को गवादर से मिलाती है। इस शाहराह की लंबाई 653 किलोमीटर है। इस शाहराह के क्याम से पहले कराची से गवादर का सफर 2 दिन में तय हो पाता था। मकरान कोस्टल हाईवे ने साहिल समंदर के साथ आबाद इलाकों की किस्मत बदल दी है। अब इस हाईवे की वजह से लोग 6 से 7 घंटे में कराची से गवादर पहुंच जाते हैं। मकरान कोस्टल हाईवे पर काम का आगाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2002 में हुआ, जो 3 साल बाद यानी 14 दिसंबर 2004 को पाया तकमील को पहुंचा। अगर आप सियाहत और एडवेंचर का शौक रखते हैं तो इस हाईवे पर सफर आपके लिए एक यादगार सफर होगा। मकरान कोस्टल हाईवे की खूबसूरती उसका साहिल समंदर के साथ साथ चलना और हर चंद किलोमीटर्स के बाद जमीनी खदोखाल का तब्दील हो जाना है। हमारा पहला स्टॉप गडानी है। ये तहसील हब ही का हिस्सा है और कराची से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है। गडानी की वजह शोहरत दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। ये पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये 3 अजला लसबेला, गवादर और अवारान के 6,100 स्क्वायर किलोमीटर के वसी इलाके पर फैला पार्क है। इस पार्क में बुनियादी तौर पर 10 मड वोल्केनोस के क्लस्टर हैं। हिंदू अकीदा के मुताबिक हिंगलाज पार्वती माँ काली का रूप है। हिंदू ब्रादरी इसे हिंगलाज देवी के नाम से पुकारती है, जबकि मुसलमान इसे अम्मा हिंगलाज, नानी हिंगलाज और माई हिंगलाज कहते हैं। इससे आगे कुंड मलीर का साहिल है, जो अपनी खूबसूरती और कशिश में दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार होता है। मकरान कोस्टल हाईवे बूजी पास के सबसे ऊंचे मकाम की तरफ बढ़ती है और सड़क के खदोखाल एक बार फिर से बदलते महसूस होते हैं। ये इलाका बिल्कुल ग्रेट कैनियन की तरह है, जहां हवा और मौसमी तगयुरात ने नेचुरल आर्ट के शाहकार तश्कील दिए हैं। कुदरती तौर पर बने इन शाहकारों में सबसे दिलकश एक खातून नुमा मुजस्मा है, जिसे 2002 में अमरीकी फनकारा एंजेलिना जूली ने प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया और अब ये इसी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मिस्री स्फिंक्स की तरह की एक पहाड़ी चट्टान भी है, जिसे स्फिंक्स ही का नाम दिया गया है। ये कुदरती मुजस्मे और शाहकार मुसाफिरों को रुकने और उन शाहकारों को कैमरों में महफूज करने पर मजबूर कर देते हैं। हमारी अगली मंजिल ओरमारा का साहिल है। ओरमारा कराची और गवादर के सेंटर में वाक़े है। रवायात के मुताबिक सिंध से वापसी पर सिकंदर आजम ने यहाँ पड़ाव डाला था और कई दिन तक क़याम किया था। ओरमारा एक पसमांदा इलाका था, लेकिन मकरान कोस्टल हाईवे की वजह से ये तेजी से तरक्की कर रहा है। ओरमारा के बाद अब हम अगली मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, जो माहीगीरी के हवाले से एक अहम हार्बर के तौर पर जाना जाने वाला पसनी है।
پسنی کے بعد ملک کی معاشی خوش قسمتی کی علامت سمجھے جانے والا شہر گوادر آتا ہے۔ اس شہر کو تین مختلف سمتوں سے سمندر کا ساحل لگتا ہے، جس کی تشکیل گردن کی طرح ہے۔ گوادر اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔